नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज मैं लॉन्ग ब्लॉग लेकर आई हूँ। जैसे मैं मेरा मिनी ब्लॉग डालती हूँ, प्रेगनेंसी जब हुई तो मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं अकेले थी तो मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही थी और मुझे सारा काम भी करना पड़ रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं रही थी। और फिर जब बेबी हो गया तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिर से ब्लॉग डालना। तो मैं मिनी ब्लॉग डालती हूँ और आप मेरे चैनल पर जाके उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं अपना ब्लॉग इसलिए लाई हूँ कि मैंने परसों रात में देखा था जो स्नैपी गर्ल सपना का है ना, तो उसको मैंने देखा उनका वीडियो और जो सूरज ने उनके साथ जो जो किया, फिर मतलब एकदम परेशान करने वाला, व्यथित जिसको कहते हैं ना कि दिल एकदम टूट जाए, तो वैसा वीडियो था वो। तो इंसान शादी करके लाता है एक आदमी और फिर उस औरत को मारता है, पीटता है और फिर वो औरत भी देखिए कितना खुश, मतलब दुनिया को, दुनिया के सामने सबकी इज्जत बनाए रखने के लिए इतना खुशी होकर वीडियो बनाती हैं, दिखाती हैं। यही होता है ना कि जो अंदर की बात अलग बाहर की बात अलग। ऐसे जो इंसान मारता पीटता है गाली देता है वो एक पति कहलाने लायक तो होता ही नहीं है जहाँ तक मैं सोचती हूँ। और यही दूसरी बात कि कोई अपने माँ बाप के कहने पर मारे या अपने भाई बहन के कहने पर मारे तो या रिश्तेदारों के कहने पे मारे, तो पत्नी पे हाथ उठाने के बारे में एक बार, उससे पहले तो एक बार तो सोच तो लीजिए कि आखिरी समय में पत्नी ही काम आती है। आखिरी समय में हो, शुरू में हो, सब में पत्नी काम आती है, शुरू से अंत तक पत्नी ही काम आती है, कोई और काम नहीं आता है। सब लोग अपना अपना, कुछ सालों बाद सब लोग अपना अपना अलग हो जाते हैं, काम वही करती है। और किसी का दुर्भाग्य देखिए, सपना का तो दुर्भाग्य है कि जो पति दो दो बार शादी होने के बावजूद भी उनको अकेले रहना पड़ रहा है, ऊपर से जो उनके माँ बाप हैं, उनके पतियों के माँ बाप हैं, वो तो बाप तो टीचर हैं, तो कैसे वो ऐसे, मतलब ससुर जो हैं वो टीचर हैं और फिर ऐसी मानसिकता रखते हैं गाली देना, बहू को मारना पीटना ताने मारना, ये सब तो ठीक बात नहीं है। उनके आंसू जाके आप उनका जरा देखिए तो वीडियो, मतलब आपके आंसू निकल आएंगे, इतना मतलब कष्ट हुआ। हम लोग की तो रिलेटिव है नहीं, कुछ भी नहीं लगती है हम लोग की, लेकिन एक होता है ना कि अपनापन देख के कि मतलब कैसा है यार, कैसी फैमिली मिल गई, कैसा नसीब है। 18 साल में शादी हुई और 22-23 साल में फिर दो दो बार उनके हस्बैंड चले गए, फिर भी वो औरत अपने आप को स्टैंड की, दो बच्चों के सहारे जीना स्टार्ट की, फिर भी उसके घर वाले उसको जीने नहीं दे रहे हैं, ये कहाँ की बात हो गई। ऐसे ही ना जैसे उसने कहा कि लोग कहते हैं मुझे सूरज का वीडियो नहीं डालती, सूरज को भूल गई है, और तो जब वो मुझे कुत्तों की तरह मारते हैं पीटते हैं तो उनकी याद कैसे आएगी। तो सही बात है, मन से आदमी एकदम उतर जाता है, ये तो उसी के ऊपर पता चलता है, उसी को जिसके ऊपर बीतती है वो उसी को पता चलता है कि मार खाने के बाद एक औरत, जब उस औरत को उसी घर में रहना पड़ता है बच्चों की वजह से, तो कितना कष्ट होता है। सब लोग तो पढ़े लिखे समाज हैं, आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये जो मानसिकता है वो बदल नहीं पा रही है औरतों पर हाथ उठाना। तो इस बारे में आप लोग का क्या कहना है, आप लोग अपने अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। और हम जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो फिर सपना को अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, उनको कुछ अपना लेवल ऊपर तक ले जाना चाहिए। हाँ, वीडियो बनाना सही है, पैसे कमा रही हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन एक अपना स्थाई होता है, यूट्यूब आज है कल नहीं है, कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, लेकिन जब उनको एक अच्छा पोजिशन मिल जाएगा ना तो फिर लोग उनकी कदर करना, जो लोग आज उनको धुतकारते हैं ना, उनके सास ससुर हैं रिश्तेदार हैं उनको धुतकार रहे हैं, और वो मतलब समाज के डर से या कहिए या अपने अपने बच्चों के डर से, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करनी है ना, उनको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। और मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। नमस्कार।